बाकी पूरे प्रदेश में 100% हम लोगों ने इसको छूट दिया है। प्लांट मशीनरी जब खरीदता है तो प्लांट मशीनरी खरीदने में ही हम लोगों ने 25% की सब्सिडी देने की नीति इसमें बनाई है। और जो बुंदेलखंड में या हमारे पूर्वांचल में जो उद्योग स्थापित करता है उसको 10% अतिरिक्त हम लोगों ने छूट देने का इसमें प्राविधान किया है। बड़ी चीज ये है कि इकाइयों को स्वयं के उपयोग हेतु, जैसे सड़क है, जलापूर्ति है, जल निकासी है, विद्युत परियोजना की लागत जो लगती है उसमें 50% सरकार देने की बात कह रही है और 3 करोड़ रुपए का अनुदान हम लोग उसमें भी देंगे। जैसे ईटीपी है, डीजी सेटों के स्थापना हेतु जो भी लागत आएगी उसका भी 50% अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति इकाई, आंतरिक प्रशिक्षण की जो लोग व्यवस्था करते हैं उसमें 25% अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए, और स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हॉस्टल, डॉर्मेट्री के जो परियोजना का लागत आएगा उसका 25% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने छूट देने का प्राविधान इसमें किया है। प्लांट एवं मशीनरी हेतु जो ऋण लिया जाएगा उसका जो वार्षिक भुगतान होगा उसके ब्याज में 60% छूट देने का प्राविधान हम लोगों ने किया है, जो 7 वर्षों तक दिया जाएगा। और ये सब्सिडी 1.5 करोड़ रुपए होगी अधिकतम, और गौतम बुद्ध नगर में 75 लाख रुपए इस सब्सिडी को दिया जाएगा। जो नई इकाइयों में इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी रहती तो वो 100% छूट दिया गया है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी उसको 10 वर्ष तक नहीं देनी पड़ेगी, और मेगा, जैसे मेगा सुपर मेगा गवर्नमेंट इकाइयां हैं उसको 3200 रुपए प्रति श्रमिक और प्रति माह रोजगार सृजन के लिए 5 वर्ष तक अनुदान दिया जाएगा। 3200 रुपए प्रति श्रमिक सरकार देगी ताकि रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो उन इकाइयों को। इसी तरह से निर्यात को बढ़ाने के लिए नई इकाइयों को फैक्ट्री से पोर्ट तक माल ले जाने के लिए उसमें भी हम लोगों ने छूट की व्यवस्था की है। प्रथम वर्ष 2 वर्षों तक 75% है, फिर उसके बाद 50% है 2 वर्षों तक, और जब 4 वर्ष हो जाएंगे तो उसके बाद वो 25% तक, तो 5 साल तक हम प्रोत्साहन देने के लिए ये भी छूट किया प्राविधान हमने इस नीति में रखा है। जैसे रेशम हमारे यहाँ पैदावार कम है, खपत बहुत है, हम लोग बहुत मार्केटिंग करते हैं, इधर उधर से लाते हैं। हमारे यहाँ 300 मेट्रिक टन रेशम पैदा हो रहा है, इसकी पैदावार यहाँ बढ़े इसके लिए भी हमने काफी प्रयास किए हैं। अगर रेशम उद्योग प्रोत्साहित है तो हम लोगों ने 1 करोड़ की लागत वाली जो रेलिंग इकाई लगेगी उसमें 15% तथा सब्सिडी 1 करोड़ या इससे अधिक पूंजी निवेश करने की रेलिंग इकाई होगी उसको 20% कैपिटल सब्सिडी हम लोगों ने देने का इसमें प्राविधान किया। लखनऊ हरदोई में हम लोगों ने 1000 एकड़ भूमि चिन्हित की है जो पीएम मित्रा योजना अंतर्गत भारत सरकार से मेगा टेक्सटाइल पार्क जो हम लोग बना रहे हैं उसमें 500 करोड़ हमें मिलना है। उस काम को हम शीघ्र शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें बहुत बड़ा पार्क हमारे लखनऊ के बगल में ये डेवलप होगा और एक हब बनेगा। इसी पार्क में 50 व्यक्तियों को जो रोजगार देने वाला इसमें कोई यूनिट लगेगी उसको, उन इकाइयों को विद्युत ट्रैलिप में भी हम लोग 2% छूट देने जा रहे हैं, 2 रुपए प्रति यूनिट हम लोग उसमें छूट देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि वो रोजगार सृजन करे, कम से कम 50 लोगों को रोजगार दे। तो इस तरह से, और उसका अधिकतम हमने 60 करोड़ रखा है कि 60 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए उसकी छूट हम लोग देंगे। इस तरह से युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए जो हमारे उत्पादन है, डिजाइन है, विपणन है, निर्यात है, संबंधित रोजगार करने के जो प्रोत्साहन दिया जाएगा इसमें भी बुनकर के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। जो हमारे बुनकरों के बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार रहते हैं तो उसको भी हम लोगों ने इस नीति में जोड़ा है। उत्पादन के क्षेत्र में
संबंधित जो हमारे प्रदेशवासियों को वित्तीय सुविधाएं जो हम लोग दे रहे हैं उसमें नया रोजगार प्रारंभ करने के लिए शासकीय जो हमारे प्राधिकरणों से कोई जमीन क्रय करेगा उसमें उसको वरीयता दी जाएगी। जो हमारा बनारस में इंडियन इंडस्ट्रीज और हैंडलूम टेक्नोलॉजी में जो जिसने 3 वर्ष का डिप्लोमा ले रखा है जो छात्र है उसको 5 से 20 अगर कोई पावर लूम लगाता है हथकरघा या 5 से 10 पावर लूम स्थापित करता है बुनाई का नया रोजगार शुरू करते तो प्रोजेक्ट का 75% सब्सिडी हम लोगों ने दी है। जो आज तक ये नई चीज हम लोगों ने दी 75% सब्सिडी हम लोगों ने देने का प्रावधान किया जिससे हमारे तमाम वो युवा रोजगार जो रोजगार के लिए नौकरी के लिए घूमते हैं वो अपना स्वयं रोजगार स्थापित कर सके। टेक्सटाइल में हमारे टेक्सटाइल डिजाइन या फैशन डिजाइन के स्नातक के जो उत्तीर्ण गारमेंट के अप्रैल या इसमें होम के जो फर्निशिंग क्षेत्र के जो रोजगार प्रारंभ करने इसमें भी हम लोगों ने काफी किया। प्राधिकरण की जो भी जमीन फ्लैटेड फैक्ट्री लेगा उसको 5% 5 वर्ष तक 50% का अनुदान हम लोग किराए की छूट में देंगे ताकि वो अपना रोजगार को प्रोत्साहित कर सके। इस तरह से नए रोजगार प्रारंभ के लिए जो स्थापित प्लांट मशीनरी अवस्थापना लागत उसका भी 75% अधिकतम 25 लाख रुपए हम लोगों ने छूट का प्राविधान किया है। डिजाइन क्षेत्र से संबंधित जो नया रोजगार प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सुविधाएं उसमें भी हम लोगों ने डिजाइनिंग स्नातक उत्तीर्ण करके जो कोई डिजाइन स्टूडियो स्थापित करना चाहते हैं या उन्हें प्रोजेक्ट कास्ट का 75% इस पर भी और अधिकतम 30 लाख रुपए तक हम लोगों ने छूट देने का प्रावधान किया है। इसी तरह विपणन से संबंधित भी नया रोजगार प्रारंभ करने के लिए तमाम वित्तीय सहायताएं हम लोगों ने इस नीति में दी है जो आपके हाथ में देख सकते हैं आप। इसमें प्रदेश के संगठित युवाओं को वस्त्रों की बिक्री को बढ़ाने के हेतु विपणन व्यवस्था के साथ साथ ऑनलाइन बिक्री मार्केटिंग कंपनी बनाकर नया रोजगार प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप जो ऑनलाइन कोई कंपनी बनाकर के उसमें भी 75% अधिकतम 50 लाख रुपए तक की हम लोग अगर प्रति कंपनी जो बना के आएगा तो 50 लाख तक की छूट देने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। इसी तरह से हमारे जो आउटलेट खोलने में प्रत्येक आउटलेट में 3 वर्षों तक बिक्री होने पर निम्नवत सहायताएं दी हैं जिसमें 50 आउटलेट पर 2 करोड़ रुपए जब बिक्री प्रतिवर्ष 4 करोड़ की हो 100 आउटलेट पर 4 करोड़ रुपए बिक्री प्रतिवर्ष न्यूनतम 8 करोड़ हो 200 आउटलेट पर 8 करोड़ बिक्री न्यूनतम 16 करोड़ हो और 500 आउटलेट पर बिक्री हो कम से कम 20 करोड़ रुपए की तो उस पर भी हम लोगों ने इस पर 80% प्रदेश से बाहर स्थापित किए गए हो इनको भी 25 आउटलेट जो खोलता उसको 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बिक्री करता है उसे भी 1 टाइम 2 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान इसमें है। तो निर्यात हेतु भी तमाम हम लोगों ने इसमें सुविधाएं दी हैं जिसमें जो भी हमारे एक्सपोर्ट हाउस होंगे प्रदेश के प्रारंभ कर पंजीकरण आदि में जो व्यय शुल्क आएगा उसका 75% अवस्थापना सुविधाओं की लागत का 75% अनुदान और अधिकतम 20 लाख रुपए हम लोगों ने देने का प्रावधान किया है। इसी तरह बायर सोलर मीट क्रेता विक्रेता जो संगम प्रदेश के जो उत्पादित वस्त्रों को निर्यात को बढ़ाने हेतु वर्ष में जो प्रदेश की पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में एक एक वायर सोलर मीट का आयोजन कराया जाएगा जिसकी आवश्यक व्यवस्था है तो अधिकतम 20 लाख रुपए प्रति वायर सोलर मीट पर व्यय किया जाएगा। निर्यात से संबंधित संस्था कोई अगर वायर सोलर मीट आयोजित करती है तो कुल लागत का 50% अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट उसको दी जाएगी। फैशन शो का जो आयोजन करेगा उसको भी विपणन बढ़ाने के लिए संस्था द्वारा प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में शो आयोजित करने पर 20 लाख रुपए प्रति फैशन शो व्यय किया जाएगा। इसी तरह निर्यात मेले में एक्सपो आयोजन के लिए भी
हमने जो इसमें व्यवस्था की है, प्रदेश में देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के वर्ष में एक बार 14 दिवसीय उत्तर प्रदेश हैंडलूम सिल्क खादी उत्पादों की बिक्री हेतु एक्सपो का आयोजन कराया जाएगा, उसको 70 लाख रुपए उस पर व्यय किया जाएगा। इस तरह से जो ये गारमेंट पॉलिसी पहली बार हम लोगों यूपी सरकार ने अभी 17 से जो हमारी 12 अक्टूबर तक थी और हम लोगों ने 13 तारीख को इसको कैबिनेट में पास किया है, जिसका जीओ जारी किया है, इसकी पर निवेश की बड़ी संभावना है उत्तर प्रदेश में। अभी एमएसएमई नीति हम लोगों ने आपके बीच में रखी थी, उस पर भी हम लोगों ने एक नए तरीके से जो उसमें ब्याज में सब्सिडी हम लोगों ने सूक्ष्म को 50% दिया, उस पर भी 25% अनुदान। तो इस तरीके से जो हमारी नीतियां बनी हैं उनका लाभ हमारे बेरोजगारों को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ पर लोग स्थापित करेंगे, उद्यमी अपना उद्यम, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार का सृजन भी होगा। ये देखिए, नीति हमने जो बनाई है तो जितने भी हमारी यहाँ उद्यमियों की संस्थाएं हैं, जो उद्यम चलाते हैं, जो उद्यम लगाए हैं, उनसे राय लेकर के उनकी जो सुझाव आए हैं, ज्यादा से ज्यादा उन सुझावों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। यहाँ उद्योगों की बड़ी जो जितने भी संगठन हैं सबकी बैठक कर करके हम लोगों ने, और जो तमाम तरीके की लोगों ने कहा कि गड़बड़ियां हैं जिनसे लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, उनको हम लोगों ने हटा करके नए तरीके से इसमें हम लोगों ने नियम बनाए हैं जिसमें हमारे उद्यमियों को दौड़ना न पड़े और आसानी से इन नीतियों का वो लाभ उठा सके। इसमें वो जो आपने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में कितनी परियोजनाएं पिछली नीतियों में आई, तो लगभग 128 परियोजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है जिनपे लोग प्रक्रिया पे है, जिसमें 31 परियोजनाओं का लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हो चुका है जिनपे काम चल रहा है, और उन तमाम लोगों के सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया है। नहीं, ये गवर्नमेंट पॉलिसी की बात है। जी 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 अब इसमें जो 31 लोग हैं इनको एक हो गया है। इकतीस लोग प्रक्रिया में हैं, वो पाइपलाइन में है, वो ले सकते हैं। एक को जब ले 25 लाख। देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि जो पुरानी इकाइयां वो लगी थी उनको अगर आप कहें कि हम उनको चला दें तो नहीं चला सकते। अब उन जमीनों का
हम लोग जो इकाइयां हैं उन जमीनों को लेके उनमें सेमी पार्क छोटे छोटे बना करके नए उद्यमियों को हम लोग वहां बसने का मौका दे रहे हैं। अब उन इकाइयों को हम लोग नहीं चला सकते और ना वो चल सकते। देखिए जो जमीन हम लोग उद्यमी को फैक्ट्री लगाने के लिए देते हैं उसमें समय सीमा भी चिन्हित रहती है और अगर वो नहीं लगाते तो उनको नोटिस दी जाती है कि वो लगावें और उसके बाद भी नहीं लगाते तो उनका अलॉटमेंट कैंसिल किया जाता है। देखिए हमारा उद्देश्य है उद्यमी के उद्योग को प्रोत्साहन देना। अगर वो हमारे नियम के अनुसार कुछ पेनाल्टी दे करके और वो कहता है हलफनामा देता है कि हम इसको इतने दिन में और स्थापित कर लेंगे इस कारण से हम नहीं कर पाए तो हम लोग उसको अवसर देते हैं कि वो उस उद्यम को स्थापित कर ले और उसको आगे बढ़ावे उसको चलावे। वो जो है जो भी आपने प्रश्न किया बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है तो जो हमारे भारी उद्योग के लोग हैं जो हमारी एमएसएमई की जहां जहां पर जिन इकाइयों बंद है जो काम नहीं हो रहे हम लोग उनकी पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं और उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर वो अब तक जमीन लेकर के खाली रखे हैं और अभी तक उन्होंने अपना उद्योग नहीं लगाया है तो उनसे जमीन खाली कराई जाएगी उनको कैंसिल किया जाएगा। क्या नहीं है साइन देखिए रेशम उत्पादन पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। 300 मीट्रिक टन रेशम पैदा हो रहा है हमारे यहाँ। हम लोगों ने अभी रेशम पर करीब 48 जनपदों में पैदा जितना फार्म हाउस था यहाँ हो रहा था। हमने उसको देखा कि इस पे जहां जहां ये नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग कुछ जनपदों से हटाया है और अब ये प्रयास है 50 मीट्रिक टन इस साल उत्पादन बढ़ रहा है। अभी हमारी कर्नाटक सरकार ने बनारस में सबसे ज्यादा रेशम की खपत है। 300 मीट्रिक टन अकेले हमारे बनारस के बुनकरों को चाहिए जो साड़ी में वो इस्तेमाल करते हैं। अभी तक वो चाइना से कोरिया से इधर उधर से आयात करते थे उनको नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने हमारी जमीन पड़ी थी एक्सचेंज की बीच सिटी में हमने उनको कर्नाटक सरकार को जमीन दी वहां के नारायण देवड़ा मंत्री को बुलाया उनकी पूरी टीम आई और वो सस्ते दामों पर हमारे को रेशम देंगे और उन्होंने पहली बार ये कहा कर्नाटक हमसे छोटा प्रदेश है और कर्नाटक में 1,39,000 मीट्रिक टन रेशम पैदा हो रहा हम 300 मीट्रिक टन कर रहे हैं उनके यहाँ धागा 79,000 मीट्रिक टन पैदा हो रहा। तो हमारे यहाँ के जो अधिकारी हम लोगों ने जो बैठक ली अभी तक वो यही बता रहे थे कि सर यहाँ मौसम का ऐसा नहीं वातावरण रहता है जो कीड़ा पनपे लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कोई टेक्नोलॉजी अब हमारे यहाँ किसानों को भेजिए। तो हम लोगों ने एक नीति बनाई है कि हमारे यहाँ जितने भी रेशम के उत्पादन से किसान जुड़े हैं उनको हम लोग कर्नाटक भेजेंगे हम और वहां से प्रशिक्षण दिलाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपने उत्तर प्रदेश में रेशम के उत्पाद को बढ़ावें क्योंकि उनके यहाँ जो उन्होंने आंकड़े दिए कि 1 एकड़ में 1,00,000
90,000-2,00,000 तक हमारा किसान पैदा करता है, जिसमें 35,000-40,000 रुपए खर्च, लगभग उसको 1,50,000 रुपए प्रति एकड़ बचत होती है रेशम की खेती करने वाले। हमारे यहाँ उस टेक्नोलॉजी की खेती नहीं हो रही है, हम इस पर प्रयास कर रहे हैं रेशम की खेती उत्पाद को बढ़ाने के लिए। लगातार हमने कई कारखानाएं कर रखी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको इस उत्पाद को हम लोग बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने किसानों को भी हम लोग प्रशिक्षित करेंगे कि इस खेती से वो जुड़े, जिससे कि उनकी भी आर्थिक आमदनी बढ़े। आईडी निकाल दी। चलिए पूछ लीजिए।